Lost? Not found? Do they mean the same? What would it feel like to be lost in this vast space, Siri? What would it feel like to be not found? Do we know who are our neighbors? Do we even care? Do we care that our nears and dears one might be silently or not so silently suffering due to society devoid of true awareness and empathy surrounding mental illness? Do we care about this unfiltered, un-Instagrammed, and un-Instagrammable section of our society? Stop. Let's rewind. માલિક આમ સોપે કરવું પડે છે બાપા, તમને માલિક આમ સોપે કામ નથી કરતા, માલિક આમ સોપે તો કરવું પડે ને બાપા. સાચું સાચું સાચું. ઘણા વર્ષથી જોઉં છું તમને તો અહીંયા. પણ શું કરીએ બાપા, હે ઘણા વર્ષ જ્યાં સજા ભોગવીએ છે ને બાપા. કેમ સજા? સજા એવી મળે છે બાપા. ક્યાં અમે કાંઈ ખોટા નથી, તમને જેમ સજા મળે અમને સજા મળે છે. કેમ ઓ અગર મૂકી દઈએ છે અમને. સાચું સાચું. 70 પછડાટી ખવડાવી છે. કેમ તો એટલે પછડાટી? એટલે 70 પછડાટી ખવડાવી છે, ભોકા સુધી ફેંકી દઈએ છે અહીંયા. Is it possible to feel disconnected from even the most intimate surroundings? From the mind itself, it is. इस दुनिया में बहुत तरह की बीमारियां होती है, उसमें मानसिक बीमारियां हम लोगों की समझ से बहुत ऊपर के स्थान पे आती है. खाली फिगर्स की बात करें तो दुनिया की पॉपुलेशन के 15% लोग एक या दूसरी तरीके की मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं. लेकिन पागल पेशेंट मतलब और कुछ नहीं, उन लोगों का जीवन की वास्तविकता के साथ संपर्क टूट गया होता है, मतलब कि लॉस ऑफ रियलिटी. सिर्फ गुजरात की बात करूं तो गुजरात में 13 से 14 लाख लोग स्किजोफ्रेनिया नाम के सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं. एक ऐसी मान्यता है कि मानसिक बीमारी होने के बाद कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. मेरे साथ तो ऐसी घटना भी बनी है कि जिसमें शादी की उम्र की बेटी को मानसिक बीमारी हुई हो और वो ठीक होकर अपनी शादी में मुझे बुलाए. बाकी ज़्यादातर पेशेंट्स तो रास्ते में मिलने पर साइकेट्रिस्ट को पहचानते नहीं हैं, ऐसी कोशिश करते हैं. और परंपरा से मानसिक तौर पर कमज़ोर होना वो एक शर्म की बात है, मतलब कि मानसिक बीमारी जो मन से कमज़ोर होते हैं उनको ही होती है, ये एक गलत मान्यता है. अगर आप एकदम स्वस्थ और सशक्त हो फिर भी दिमाग के केमिकल चेंजेस की वजह से मानसिक बीमारी हो सकती है, इसलिए कोई बताना नहीं चाहता कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर है. जूनागढ़ में हम आशादीप चैरिटेबल फाउंडेशन चला रहे हैं, जो कि जो पेशेंट्स जिनके फैमिली मेंबर्स हो और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बावजूद अच्छे नहीं हो रहे हो, कमा नहीं रहे हो और शरारत करते हैं, माँ बाप को और पड़ोसी को परेशान करते हैं और खुद को भी परेशान कर रहे हो, उनके लिए एक पुनः स्थापन केंद्र शुरू किया है हमने.
रास्ते पे भटकते हुए पागल लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए माधवपुर गांव है, उसके बाजू में गोरसर नाम का गांव है, वहां पे वड़गा भाई नाम के एक ट्रक ड्राइवर ने एक सेवा कार्य शुरू किया, जहां की रास्ते पे भटकते पागल लोगों को वो रखते हैं, सहारा देते हैं, रोटी और रहने को देते हैं। Who is truly hinged? The man who sits on the fast-moving swing, or the one who doesn't stop him in spite of knowing fully well that a person on the swing is not capable of controlling its speed? Being emotionally disengaged from our surroundings is a harsh byproduct of our maximum series. We have blurred the background of our most liked photos to the extent that those living in fringes of our society are so completely pushed out of focus that we are no longer able to recognize or empathize with them. पहले मैं बड़ा गाड़ी चलाता था, मैंने 32-35 साल तक ट्रक चलाई। मैं हर वक्त ट्रक में उस्तरा, कैची और 20 लीटर पानी का बोतल साथ में रखता था। मैं मुंबई अहमदाबाद ट्रैवल करता था और रास्ते में कोई पागल मिलता तो उसे नहला धुला के फिर मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। मेरे गुरु कहते थे कि जिसका कोई नहीं होता उनके आप अगर हो जाओगे तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा। माँ को बेटा बहुत प्यारा होता है, लेकिन ये बीमारी जब एक बार लग गई तो माँ भी बच्चे का स्वीकार नहीं करती है। इसको छोड़ के आओ, छोड़ के आओ वाली बात ही करते हैं सब लोग। समाज से अलग थलग हुआ आदमी अगर फिर से समाज में मिल जाए तो अच्छा है ना। इनको हम गाय की तरह तो नहीं रख सकते है ना। हम लोग एक दो को हर महीने अच्छा करके वापस उनके घर भेज देते हैं। घर पे हम लोग 7 भाई बहन हैं। माँ बाप गुजर गए हैं, मैं यहाँ 4-5 महीने से हूँ। घर की याद तो आती है, लेकिन कोई मैं खबर भेजता हूँ घर पे, लेकिन कोई सुनेगा तो लेकर जाएगा, कोई जवाब नहीं आता। तो अब रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर घर पे खबर पहुंच गया है और मुझे यहाँ से अच्छी तरह से ले जाए और काम पे मैं लग जाऊं, ऐसी प्रार्थना है भगवान से। यहाँ तो आओ, नजदीक तो आओ। विशाल कहाँ से हो? विशाल पोरबंदर। अच्छा, जामनगर से हो? जामनगर से यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कौन छोड़ के गया तुमको? अच्छा, पापा छोड़ कर गए। तो घर में और कौन कौन है? अच्छा, दोनों है, मम्मी और पापा। क्या दोनों गुजर गए? तो यहाँ कौन छोड़ के गया? पापा? अरे लेकिन पापा तो गुजर गए ऐसा बोला ना तुमने। यहाँ पे कितने साल से हो? 10 वर्ष से हैं जो। क्या काम करते हो यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे पोरबंदर आखिरी रेलवे स्टेशन है और फिर ओखा आखिरी और इस तरफ फेरावल आखिरी स्टेशन है, इसलिए बाहर से ट्रेन में चढ़ा देते हैं। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा है, और यहाँ ट्रेन लास्ट में पड़ी रहती है, ये उतर जाते हैं, फिर रोड पे भटकते रहते हैं। 135 वो तंबाकू का जो डिब्बा आता है उसमें सब्जी मांग के लेकर आता था और थैली में रोटी मांग के लेता था। 1.5 साल तक मुझे
किसी ने कोई बर्तन लेकर नहीं दिया और मैंने भी किसी से बोला नहीं कि मुझे ये बर्तन कम पड़ रहा है। पहला नींव का पत्थर रखा तब ही हमने डिसाइड कर लिया था कि कोई फंड किसी से लेना ही नहीं है, तभी तो कोई पगारदार नहीं है यहाँ पे। फिर बुद्ध साहेब है, शैलेश भाई रायचूरा, रघुवंशी वाले, उन सभी का पहले से सपोर्ट है मुझे। मुझे ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर ही देना, कहीं पे मांगने नहीं जाना, हम जो चाहिए वो दे देंगे, हमें यहाँ पे कुछ कम नहीं पड़ता। इन लोगों को पैसे की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बाज़ार में कहीं घूमने तो जाना नहीं है, खाना चाहिए और दवाइयाँ तो बुद्ध साहब दे देते हैं, और जो भी ठीक होते हैं वो बुद्ध साहब की मेहरबानी से ही होते हैं। बुद्ध साहब का सपोर्ट हम लोगों को बहुत टाइम से है। आज से 16-17 साल पहले मैं गया और देखा कि 19-20 पेशेंट्स थे और उन लोगों को वहाँ पे रखा जा रहा था, लेकिन किसी ट्रीटमेंट के बगैर कोई ठीक कहाँ से होगा। हम लोगों को वहाँ पे अनाथाश्रम तो नहीं चलाना था, हम लोगों की इच्छा तो ऐसी थी कि उन लोगों को ठीक करके उनके घर वापस भेजें। तो तभी से उन सभी लोगों की ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी मैंने और आशादीप फाउंडेशन ने उठाई। हमने तकरीबन 500 के करीब पागलों को ठीक करके वापस भेज दिया है। 18 साल में इतने लोगों को भेज दिया है, अभी 70 जितने रहते हैं यहाँ पे। What is incredible is how he manages to connect these mostly street-dwelling, developmentally challenged individuals with their families. Let's hear how he helps them to step back into mainstream life. हम लोग ऐसे ही कोई भी फोन नंबर पे फोन करते हैं, वहाँ का कोड ढूंढ के, मतलब रायपुर मध्य प्रदेश का शहर है तो वहाँ का कोड ढूंढ के कोई भी एक नंबर पे फोन लगाते हैं। कोई भला आदमी होगा तो ठीक से जवाब देता है, और अगर नहीं देता है तो हम लोग नंबर चेंज करके फिर से किसी और का नंबर घुमा देते हैं। जहाँ से आया है उस शहर का कोड हम ढूंढते हैं, मतलब अगर जामनगर का होगा तो जामनगर का कोड ढूंढ के कोई भी नंबर पे फोन घुमाते हैं, किसी को भी। अच्छा आदमी होगा तो जवाब देगा तो बात करते हैं, और ठीक से जवाब नहीं देता है तो फिर दूसरा कोई भी नंबर घुमाते हैं। अच्छा मतलब आप क्या क्या बात करते हैं उनसे कि भैया ये यहाँ पे है, अब कोई तो भला इंसान मिलेगा ना। बहुत सारी दिल को छू लेने वाली घटनाएं होती है और हमें ये लगता है कि कुछ सेवा कार्य करना हो या किसी की मदद करनी हो तो साधन संपत्ति चाहिए, लेकिन ऐसी किसी भी चीज़ के बिना लोग कैसे सेवा कार्य कर सकते हैं उसका एक अद्भुत उदाहरण है। आश्रम में बहुत सारे मुलाकाती आते हैं, इसलिए वर्गा भाई सहजिक रूप से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो भाई साहब ने बोला कि मैं मुंबई से हूँ। तो एक बहन जो धीरे धीरे ऑलमोस्ट ठीक हो गए थे, उन्होंने ये सुनकर बोला, भाई मैं भी मुंबई से हूँ, मुझे मेरे घर ले चलो ना। तो भाई ने पूछा कि आप मुंबई में कहाँ से हो। बहन ने बोला, ये तो मुझे पता नहीं है। अब ऐसे करोड़ों की बस्ती वाले मुंबई में भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने से भी ज़्यादा कठिन था। बहुत पूछने के बाद बहन थोड़ा बता पाई कि मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति की पैरों में तकलीफ थी और मेरी एक 2 साल की बेटी थी। भाई ने उस बहन का फोटो लिया अपने मोबाइल में। हर वीकेंड में वो मंदिर जाएं, बाग में जाएं या कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाएं, वहाँ सभी को पूछते थे कि किसी भी ऐसे भाई को पहचानते हो। तकरीबन 4-5 महीने के बाद एक भाई ने कहा कि हमारे पड़ोस में एक ऐसे भाई साहब रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे उनसे मिलना है। फिर वो भाई उनसे मिलने गए और पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है। उन्होंने कहा कि मर गई है। तो भाई ने पूछा, सच में मर गई है? तो बोले, आपको क्या काम है? तो बोला, मुझे काम है इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। तो बोले, नहीं, आज से 12-14 साल पहले वो मानसिक अस्थिरता की हालत में घर से निकल गई थी। फिर हमने पुलिस कंप्लेन भी की, बहुत ढूंढा, लेकिन हमको बरसों तक मिली नहीं, इसलिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो अब जीवित नहीं होगी। कित्तू भाई साहब ने अपने मोबाइल में से वो बहन का फोटो दिखाया और उनके पति की अश्रुधाराएं जोरों से बहने लगी और उनकी बेटी भी जोरों से रोने लगी कि यही है मेरी मम्मी।
हमारे पागल कोई भी यहाँ रोड पे नहीं जाते हैं। पूरे विश्व में खुले में कहीं पागलों को रखा जाता है तो यहाँ हमारे पास ही। ये तो मेंढक को टोपली में पकड़ के रखने जैसा है, एक को बिठाएंगे तो दूसरा कूद के निकल जाएगा। बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपके पागल झगड़ते नहीं हैं। मैं बोलता हूँ कि दिमाग से सही आदमी को भी अगर कुछ चाहिए नहीं तो वो भी झगड़ा नहीं करता। इन लोगों को तो कुछ चाहिए ही नहीं तो झगड़ा करने का कोई सवाल ही कहाँ आता है। सही दिमाग वाले भी नहीं झगड़ते, जिसको किसी का कुछ चाहिए वो ही झगड़ा करते हैं। बाकी इन लोगों को किसी का कुछ नहीं चाहिए। हम लोग इनको पागल कहते हैं ना, ये पागल नहीं है, ये तो ईश्वर के बंदे हैं। इंसान होते हुए भी क्या माँ, क्या भाई, क्या बहन, क्या धन, क्या दौलत, भगवान जैसा रूप लेकर आए हैं। हेलो हेलो बड़े, हेलो आया लाइन में उभी जा वालो, ए बड़े लाइन में उभी जा वालो, हेलो 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 हेलो। मैं तो एक कलाकार हूँ। डर बो डूमतो डर बो खाई आदि मानो डर बो खाई डूमतो डूमतो जाए। मम्मी पापा दोनों ऊपर चले गए, भाई है और नानी है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, झाड़ू करने के लिए। सुबह और कभी कभी शाम को झाड़ू लगा देते हैं। घर जाने का मन नहीं होता? नहीं। क्यों? भाई के पास जाने का मन नहीं करता? उसको मिलना हो तो वो यहाँ आकर मिल जाता है। नहीं नहीं, उस साइड में तो कोरोना है मेरे भाई, कुछ तकलीफ होगी, मानसिक बीमारी हो तो कितना मगजमारी करेंगे मेरे साथ। वो अपना धंधा संभालेंगे और मेरे साथ मगजमारी करेंगे, ऐसा मेरा कहने का मतलब है, समझे आप? मम्मी गुजर गई है, बापूजी है, और कौन है? कोई नहीं। नई माँ है और वो संभाले ऐसी नहीं है। अभी कंट्रोल में होता है और दो घंटे के बाद कंट्रोल में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। सही में ऊब गए हैं मुझसे। अगर वो लोग मेरे से ऊब गए नहीं होते तो यहाँ छोड़ते थोड़ी नहीं रखेंगे। मुझे अग्निदाह देने को मना कर गए हैं कि अगर मरेगा तो तेरा मुंह भी नहीं देखना है। फिर क्या, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई ना। हमारा थोड़ा कंजेस्टेड घर था, एक रसोई घर, वो भी कंजेस्टेड था। मुझे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है इसलिए यहाँ छोड़ गए हैं। मेरा पिताजी बुलाते हैं अभी भी, मुझे कभी कभी दूध पिलाते हैं, छाछ, और कभी कभी दाबेली और चिवड़ा भी खिलाते हैं। हमारा प्लान तो ऐसा है कि इस इलाके में कोई पागल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी किसी भी प्रकार की, सोने की, बैठने की या खाने पीने की कोई भी सुविधाएं नहीं थी मेरे पास। लेकिन अब थोड़ी सुविधाएँ हो गई है, बिल्डिंग का निर्माण हो गया है, अब हम 100, 150, 200 तक रख सकते हैं। अब इसमें घर के लोग होते हुए भी स्वीकार नहीं करे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप हरिजन को रखते हो, मुसलमान को रखते हो? हमने बोला आपको ऐसी धारणा हमारे बारे में किसने बांधी, ये तो मंदिर है। कोई बोगनवेल का फूल चढ़ाता है और कोई गुलाब का फूल भी चढ़ाता है, ये तो मंदिर है, सभी तरह के फूल चढ़ते हैं यहाँ पर। हमको जाति-वाति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो बस ऐसा है कि सब परायों को अपना बना ले, उनको कभी भजन करने की और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उनके बगैर नहीं जमता और उनको मेरे बगैर नहीं जमता। आज का समाज ऐसा है कि जिनको कुर्ता पहनाने की ज़रूरत होती है उनको जबला पहना देते हैं और जिनको जबला पहनाने की ज़रूरत होती है उनको कुर्ता पहना देते हैं। ऐसा है आज का समाज। समाज को कोई समझाने वाला कोई नहीं है और समझने वाले भी कोई नहीं है, ऐसा कोई मास्टर नहीं है। फिर ये जो छोड़े हुए होते हैं उनको सहारे की ज़रूरत होती है। समाज सहारा नहीं देता, घर वाले सहारे नहीं देते, इन लोगों को सहारे की ज़रूरत होती है बस। वेस्ट का कोई मालिक नहीं है,
ठीक हो जाता है बाद में तो सब स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग तो वेस्ट में से बेस्ट बनाकर देते हैं उनको। गोड़ी चारण कन्या पासर दोड़ी चारण कन्या जगदम्बा श्री चारण कन्या हावज गर दे वाड़ा मावा तरड़ा कापे कुबा मा बाड़कड़ा कापे मजरा दे पंखेड़ा कापे हावज गर दे वाड़ा मावा तरड़ा कापे कुबा मा बाड़कड़ा कापे मजरा दे पंखेड़ा कापे जाड़ चना पांदरड़ा कापे सवद वर्षनी चारण कन्या बाड़ी भोड़ी चारण कन्या उभो रेजे भाई थी भाईगो सिंहण तारो भड़वीर भाईगो रणमेली ने कायर भाईगो जोगी नाथ जटाड़ो भाईगो सवद वर्षनी चारण कन्या बाड़ी भोड़ी चारण कन्या મોરબીના ભરત કવિ બે ચાર કામ સારા થાય તો ઘણું છે અને અરમાન તો જિંદગી ના છે અને મોતનું કફન ઓઢીને મરાય તો પણ ઘણું ઓ મમરા રે Lucky for us, we have been redeemed by the people who are mad, making a difference. People like Dr. Bakul Baibuch and Vadgabhai Parmar, who have taken up this challenging and often ignored task of helping the developmentally disabled section of our society. Who is to be blamed? Those who don't have a capacity to help themselves, or the one who don't care enough to. This shore in the city is enough to drown out even the sinister voices, the definition of which is ever evolving. The stigma, ignorance attached to this disorder is enough to make this loss of reality even more punishing. No family, no friends, no warmth, no acceptance, no sense of reality. An indifferent, an insensitive social fabric, unconcerned by its inability to accept them in the mainstream life. Who really mad in the city is? Them or we?